तो हेलो दोस्तों, रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की कॉमेडी ड्रामा मूवी सर्कस का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर देख के मेरे माइंड में सबसे पहला सवाल यही आ रहा था कि थोड़ा और दिखा देते तो पूरी की पूरी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती, थिएटर जाने की नौबत ही नहीं आती। यार इतना लंबा ट्रेलर कौन डालता है। ये ट्रेलर अराउंड 4 मिनट के आसपास था जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा लगा। अब अगर बात करें कि ये ट्रेलर कैसा है तो ट्रेलर देख के मुझे मिक्स वाली फीलिंग्स आ रही है। रोहित शेट्टी की मूवी से हम हमेशा ही एक अच्छी कॉमेडी की उम्मीद करते हैं और वही चीज इस ट्रेलर से बिल्कुल ही गायब लग रही थी। ट्रेलर का कोई भी सीन ले लो, कोई भी जोक ले लो, वो आपको बिल्कुल ही हंसा नहीं पाएगा। इसके अलावा शायद मुझे मूवी में ओवर कास्टिंग की प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि इस मूवी में इतने सारे स्टार है कि आप गिन के थक जाओगे और 2-2.5 घंटे की मूवी में इन सबको अच्छे से यूज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है क्योंकि मुझे ट्रेलर में लग भी रहा था। और एक बात, ये मूवी विलियम शेक्सपियर के प्ले कॉमेडी ऑफ एरर से इंस्पायर्ड है और इस प्ले पे अब तक टोटल 9 मूवीज बन चुके हैं जिसमें से बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक मूवी अंगूर भी शामिल है। ट्रेलर में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया तो वो था ट्रेलर का लास्ट वाला सीन, यानी कि ये मूवी गोलमाल 3 का सीक्वल होने वाली है। इस मूवी में हमें रणवीर सिंह और वरुण शर्मा का डबल रोल देखने को मिलने वाला है, यानी कि इस मूवी में हमें डबल रोल कन्फ्यूजन कॉमेडी देखने को मिलेगी। और इस टॉपिक पे हम बहुत सारी मूवीज पहले ही देख चुके हैं, अब देखते हैं कि इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलता है और कैसे ये लोग गोलमाल से कनेक्ट कर पाते हैं। और गोलमाल से याद आया कि मेकर्स ने इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी नया बनाने की कोशिश भी नहीं की है। अगर आप इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ध्यान से सुनोगे तो आपको गोलमाल से सिमिलर लगेगा, सिर्फ इसका जो एंड वाला पार्ट था उसको चेंज कर दिया गया है, आगे का पार्ट सेम टू सेम है। ये मूवी रिलीज होने वाली है 23 दिसंबर को, तो देखते हैं इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलता है। ट्रेलर मुझे उतना पसंद नहीं आया जितना इससे उम्मीद थी, लेकिन रोहित शेट्टी की मूवीज ऑलवेज मजा देती है। साथ ही हमें दीपिका पादुकोण का कैमियो अपीयरेंस भी देखने को मिलने वाला है, तो वही देख लेंगे। इस मूवी के 2 वीक पहले हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी अवतार 2 द वे ऑफ वाटर भी आने वाली है, तो देखते हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल कर पाती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो को ही प्लान करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।